ना जाए। महिला आरक्षण बिल आ गया, सोनिया गांधी जी ने कहा कि जरूरत है, लेकिन जो पॉइंट है वो क्लियर किया जाए, इसमें सेंसस होगी। देखिए ये पॉइंट क्लियर किए जाए, जो इसकी बिल के अंदर जो बारीकियां, इस कानून जब बने तो जो बारीकियां हैं उनके बारे में सारी बात स्पष्ट की जाए। बाकी महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं को आगे आने का अवसर मिले, ये एक अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रयासरत रही है, 2010 में भी हमने इस बिल को, हम कांग्रेस पार्टी लेके आई थी और राज्यसभा में पारित भी करा दिया था जब हमारी सरकार थी, और उसके बाद लेकिन लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं थी कांग्रेस पार्टी के पास और बाकी दलों का समर्थन नहीं मिला, इसीलिए लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। अब बहरहाल चूँकि मुख्य दो जो पार्टियाँ हैं, जो सबसे बड़ा दल हमारे देश का, उनको बहुमत है 2/3 बीजेपी को, और साथ में कांग्रेस का भी साथ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये इस बिल को स्वीकृति मिलेगी लोकसभा राज्यसभा दोनों से और ये कानून के रूप में बनेगा। हालांकि ये बात सही है कि अगर इनके मंशा कुछ करने की थी बड़ी, तो ये 2029 तक क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? 2029 तक तो पता नहीं कब तक क्या हो, ये तो अभी हो जाना चाहिए था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी 545 सीट है, इसमें से आप एक तिहाई सीट अपना जो है कर दो रिजर्व, किसने रोका आपको? तो उसमें तो कोई जो है लॉटरी निकाल के कर दो, प्रदेशों के अनुपात में कर दो, हर प्रदेश से एक तिहाई कर दो, जो भी आपको, तो उसमें तो कोई नहीं रोका किसी ने। आज के दिन जो ड्रॉ निकलते हैं पंचायती राज संगठन के चुनाव के अंदर, सरपंचों के, जिला परिषद के, शहरों के, निकाय के, वार्ड्स के, वो आज के दिन धरातल तक लोग समझते हैं कि ड्रॉ निकालना कोई जो है अपना 7-8-9 सालों का काम नहीं है, ये तो एक ही दिन में ड्रॉ निकल के चुनाव हो जाते हैं। तो ये तो 545 सीट हैं, आप ड्रॉ निकालो, कराओ चुनाव। कहीं ना कहीं ये झुंझुना देकर महिलाओं को ये जता कर कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं और उनकी वोट लो, और उसके बाद कि भाई अगर वोट नहीं मिले तो ये कह दो वोट नहीं मिली इसीलिए हम, तो ये नहीं, वो तो 2029 की बात कर रही है सरकार, 29, ये वही 2029 ना हो जिस सरकार ने कहा कि 2019 में बुलेट ट्रेन में अहमदाबाद से बैठ के बंबई जाएंगे, आज 2024 हो गया, वो बुलेट ट्रेन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ये 2029 पे वही लागू ना हो जिस सरकार ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनके तैयार हो जाएंगी, जिस सरकार ने कहा कि किसान का की आमदनी 2022 तक दुगनी हो जाएगी, अब 22 आई तो आगे पता नहीं कितने दिनों की कितनी तारीख। तो ये जो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण 2029 तक अब कह रहे हैं, तो ये बाकी हर अपने घोषणा की तरह तारीख पे तारीख ना दें। 2029 भी मैं समझता हूँ कि एक झुंझुना दिया है, इसी साल करो लागू, इसी इसमें करो। हम कहते हैं महिलाओं को, हम चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण हो, देश की आधी आबादी है, हम उनके सशक्तिकरण चाहते हैं, लेकिन आप तुरंत लागू करो करना है तो, और अगर तारीख कोई रखी दी है तो बाकी हर चीज़ की जैसे तारीख आप भूल गए, इसकी भी तारीख आप मत भूलना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।